अभी थोड़ी देर पहले केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी ने एक निहायत ही निम्न स्तरीय ओछा वक्तव्य दिया। मैं उनका जवाब देने नहीं आई हूँ, लेकिन स्मृति ईरानी जी से मेरे कुछ सवाल हैं, और वो सवाल लाजमी है। एक महिला मंत्री है, महिला बाल विकास मंत्रालय की मंत्री है, मजबूत नेता है भारतीय जनता पार्टी की, आप विक्टिम कार्ड क्यों खेलती हैं? यू आर नॉट अ विक्टिम, आप किसी तरह से विक्टिम नहीं है। आप एक सशक्त महिला है, आप मंत्री है, सांसद है, आपसे ज्यादा मजबूत कौन है? आप विक्टिम कार्ड क्यों खेलती हैं? क्योंकि विक्टिम तो वो महिला है जो 400 रुपए का सिलेंडर आज 1200 पर ले रही है। विक्टिम वो महिला है जो आटे पर GST दे रही है। विक्टिम वो महिला है जो सरसों का तेल 90 पर था आज 200 पर खरीद रही है। विक्टिम वो लोग हैं। आप महिला और बाल विकास मंत्रालय की मंत्री है ना स्मृति जी, मेरा आपसे एक सवाल है। आप लखीमपुर के चीरहरण पर चुप रहती हैं, आप शाहजहांपुर के यौन शोषण पर चुप रहती हैं, आप हाथरस में एक गुड़िया को रात को जला दिया जाता है मिट्टी का तेल डालकर, आप चुप रहती हैं, लेकिन आपके बगल में बैठा हुआ भारतीय जनता पार्टी का सांसद एक महिला सांसद को, एक महिला विधायक को वैशाली की नगर वधु वेश्या बुलाता है और आप चुप रहती हैं। कब माफी मांगिएगा आप इस देश से? आज कहने का वक्त है, खड़ी होइए और माफी मांगिए इस देश से। महिला बाल विकास मंत्रालय की मंत्री हैं आप, ये आपकी नैतिकता है? आपके बगल में बैठा हुआ सांसद, भाजपा का सांसद, एक महिला सांसद और एक महिला विधायक को वैश्या कहता है और आपके मुंह से एक शब्द नहीं फूटता है? आप अंकिता ठाकुर पर चुप रहती हैं, आप तमाम ऑन रेप केसेस पर चुप रहती हैं जहां पर आपके लोग संलग्न हैं। लेकिन मैं आपसे सवाल पूछती हूँ, संसद में बैठकर संसद की गरिमा को भंग करके, मर्यादा को तार तार करके, आपका एक सहयोगी एक महिला सांसद को और एक महिला विधायक के लिए शब्द का प्रयोग करता है जिसको सुनने से पहले इस देश की हर महिला लज्जित होती है, आप चुप रहती? आप विक्टिम नहीं है, आप विक्टिम बिल्कुल नहीं है। विक्टिम इस देश की महिलाएं हैं। विक्टिम आज मध्यम वर्ग है जो महंगाई से जूझ रहा है। विक्टिम इस देश का युवा है जिसके पास नौकरी नहीं है। आप विक्टिम प्लाकार्ड प्ले करिएगा। आपकी घबराहट और बौखलाहट में मुझे अडानी का बेनकाब होता हुआ सच नजर आता है। मुझे हर कीमत पर अडानी को बचाने की आपकी, आपके प्रधानमंत्री की, आपके मंत्रियों की, आपके सरकार की मंशा और प्रतिबद्धता नजर आती है। लेकिन वो कहते हैं ना कि सच को कितना भी छुपाओ वो और उतनी ही दुगनी ताकत से उभरता है। सूरज की रोशनी छुप नहीं सकती किसी बादल से, और अडानी का सच, लेकिन कुछ सच बयां करने आई हूँ। और उस वक्तव्य को सुनकर मुझे एक ही चीज लगी कि शब्द नरेंद्र मोदी के हैं और संस्कार RSS का है, और वो शब्द है झूठ बोलो, लगातार झूठ बोलो और झूठ फैलाओ, दुष्प्रचार करो। ये शब्द नरेंद्र मोदी जी के हैं और ये संस्कार RSS के हैं। जो ट्रेनिंग स्मृति जी की झूठ बोलने के लिए हुई है उसका पर्दाफाश करना जरूरी है। असलियत ये है, चाहे वो स्मृति ईरानी हो, चाहे वो अनुराग ठाकुर हो, चाहे वो पीयूष गोयल हो, चाहे वो अमित शाह हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, लगातार झूठ बोलकर मुद्दे से ध्यान भटकाना है। असलियत ये है कि अडानी मोदी के संबंधों की परत खुल रही है और जनता देख रही है, जनता समझ रही है क्या हो रहा है। जो रंगी पोती इमेज बनाई गई थी, जो खोखली इमेज खड़ी गई थी, उसका सच सबके सामने आ रहा है। आज दिक्कत ये है कि अडानी पर जो सवाल राहुल गांधी जी ने संसद में पूछे थे और वो सवाल आज भी जायज है, उनका जवाब नहीं है भारतीय जनता पार्टी के पास या नरेंद्र मोदी जी के पास, और उन सवालों से ध्यान भटकाने के लिए अनर्गल बातें कही जाएंगी। आज जनता वो सवाल पूछ रही है, आज जनता के मन में आ रहा है, ये क्या अडानी से संबंध है, ये कौन सी प्रेम कथा है कि सारी की सारी सरकार हर मर्यादा हर लोक लाज को ताक पे रखकर अडानी के बचाव में उतरी हुई है। अरे मोदी का बचाव कर लीजिए तो हम समझते हैं, अडानी का बचाव करने के लिए हर सांसद, हर मंत्री, देश के प्रधानमंत्री तत्पर हैं। आपने देश की संसद को, देश के लोकतंत्र को गिरवी रख दिया कि अडानी बच जाए। लेकिन आज वही जनता के मन में ये सवाल है और वो जनता पूछ रही है, ऐसा कौन सा रिश्ता है, ये क्या दिक्कत है अडानी की जो बचाने के लिए सारी सरकार खड़ी हुई। और आप को लगता है कि राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करके आप उनकी आवाज को दबा देंगे, आप उनको चुप करा देंगे, तो ये आप मुगालते में हैं। आप उनका घर ले लेंगे, वो तो कहते हैं मेरा कभी घर था ही नहीं। और जो शख्स हर कीमत पर लड़ने को तैयार है वो आपको भयभीत करता है। उनके वक्तव्य में मुझे डर नजर आया, उनके वक्तव्य में मुझे बौखलाहट नजर आई, उनके वक्तव्य में मुझे घबराहट नजर आई कि ये क्या, इतना कुछ करने के बाद भी अडानी के संबंधों पर दर परत खुलती जा रही है, कलई खुलती जा रही है, सच सामने जा रहा है। आपकी अडानी पर चुप्पी, आपका संरक्षण, आपकी एजेंसियों का जो बिल्कुल चुप मौन रहना है अडानी पर, वो सारी जनता समझ और देख रही है। आज ये देश समझ रहा है, देख रहा है। आपका सारा तंत्र, आपकी एजेंसियां, आपके लोग और आप खुद लगातार राहुल गांधी जी के पीछे पड़े हुए हैं। वो एक व्यक्ति जो सच बोल रहा है, वो एक व्यक्ति जिसने वाकई में
आपको व्यथित करके रख दिया है। मैं पूछना चाहती हूं आपसे, कब अडानी पर बोलिएगा, कब आपकी एजेंसियां जांच करेंगी, अडानी पर ये मौन व्रत क्यों है? चार ही सवाल तो पूछे अडानी पर, कैसे 609 नंबर से 2 नंबर पर आए, विदेश यात्रा में कहां कहां गए जहां पर उनको कॉन्ट्रैक्ट मिला, SBI और LIC का पैसा क्यों लगाया गया जो पैसा डूब गया? आज पूछना बनता है कि क्या देश की महंगाई, देश की बेरोजगारी, देश की आर्थिक असमानता, महिलाएं, चीन मुद्दा नहीं रह गया है? आप अडानी को बचाने के लिए प्रतिबद्ध है और इसलिए बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि शब्द आज सवेरे नरेंद्र मोदी के थे और ट्रेनिंग RSS की थी। क्योंकि स्मृति ईरानी जी, विक्टिम कार्ड खेलना बंद कर दीजिए, आप विक्टिम नहीं है, आप एक सशक्त महिला है। अडानी पर जवाब दीजिए, अडानी पर अपनी सरकार को बोलिए जांच कराएं, अडानी पर आपकी चुप्पी लोकतंत्र का की हत्या करती है और लगातार हत्या करती है। और मैं अंत में एक बात जरूर कहूंगी और ये बात कहनी जरूरी है, आपको लगता है राहुल गांधी जी चुप हो जाएंगे? जो सवाल सदन में खड़े होकर राहुल जी पूछ रहे थे, वो सवाल आज इस देश का हर व्यक्ति पूछ रहा है, अडानी और आपका रिश्ता क्या है, अडानी पर मोदी चुप क्यों है, अडानी पर जांच कब होगी और अडानी को बचाने के लिए सारी सरकार क्यों तुली हुई है? This is an absolutely internal matter of the country, but if you are going to kill democracy in broad daylight, yes, the world is watching. Can we stop? Can we put something on people's eyes? Kya hum logo ki aankh pe patti bandh de? Patti Narendra Modi ji ne bandhi hui hai Adani par. Duniya to dekhegi kya ho raha hai is desh mein. Hamara bilkul usse koi lena dena nahi hai. Jo duniya dekh rahi hai wo ye desh dekh raha hai. Aapko kya lagta hai hum duniya ki aankhon pe jaake patti bandh denge? क्या दुनिया नहीं देख रही कि भारत का जो सबसे प्रखर, सबसे प्रमुख, सबसे मजबूत विपक्ष की आवाज है, उसको आपने कुचल दिया, करने का प्रयास किया है? आपने उनकी सदस्यता रद्द कर दी और किस मसले पर करी और किन आक्षेपों के पीछे आप छुप रहे हैं? क्या दुनिया नहीं देख रही है ये? क्या देश नहीं देख रहा है? आपकी सारी पोल पट्टी, आपके चेहरे का वो नकाब उतर चुका है और ये देश आज पूछ रहा है अडानी और आपके संबंध क्या है। और अडानी को बचाने के लिए अगर आपको लगता है कि राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करके आप उनको बचा लीजिएगा तो आप मुगालते में। सत्ता की जरूरत आपको है अडानी को बचाने के लिए, सत्ता की जरूरत आपको है राहुल गांधी को चुप कराने की कोशिश करने के लिए, सत्ता की जरूरत आपको है विपक्ष को डराने धमकाने के लिए, सत्ता की जरूरत आपको है संरक्षण देने के लिए अडानी की। राहुल गांधी के साथ सत्य है और वो सत्य की लड़ाई सदन और सदन के बाहर लगातार लड़ रहे हैं और मजबूती से लड़ी जाएगी। मोदी जी ने तो हमें वो हथियार दे दिया है कि लामबंद हो चुका है विपक्ष और पूछ रहा है आपसे सवाल, JPC कब गठित करिएगा, अडानी पर चुप्पी कब तोड़िएगा? और अब ये सवाल विपक्ष नहीं, अब ये सवाल देश पूछ रहा है। राहुल गांधी जी को यह घर नरेंद्र मोदी जी की कृपा से नहीं मिला था। राहुल गांधी 4 बार के चुने हुए सांसद हैं, एक सांसद होने के नाते, लोगों के मैंडेट के नाते, जिन लोगों ने उनको चुना, उनको अधिकृत किया कि उनको यह घर मिले। पहली बात, घर खाली कराना, आशिया उजाड़ना, आपको लगता है इससे राहुल गांधी चुप हो जाएंगे? एक्चुअली प्रॉब्लम यह है कि राहुल गांधी ने इनको इतना व्यथित कर दिया, इतना विचलित कर दिया है, इन बेचारों को समझ में नहीं आ रहा है ये करें क्या। इनको लगता है कि राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करके या घर खाली करा के, राहुल गांधी जी सबके लिए तैयार हैं। जब हमारा नेता बाहर आकर कहता है कि मैं हर कीमत चुकाने को तैयार हूं, तो उसकी रगों में शहादत का खून है। उनको लगता है कि वो राहुल गांधी जी को चुप करा देंगे? राहुल गांधी जी के पिता ने और उनकी दादी ने इस देश के लिए शहादत दी है। आपको लगता है राहुल गांधी जी का घर ट्रांसफर करा के, घर हटवा के आप चुप करा दीजिएगा? एक्चुअली अब जो राहुल जी बोल रहे हैं वो जनता और प्रखरता से बोलेगी, इससे वो डरते हैं। आगे वो कहां जाएंगे, क्या रहेंगे, मुझे नहीं लगता कि इस सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर मुझे इसकी जिक्र भी करना चाहिए। आई एम प्रज्यूमिंग विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू यू माई फ्रेंड हियर, आई एम प्रज्यूमिंग दैट यू डू नॉट थिंक आई एम सच अ फूल दैट आई विल सिट एंड डिस्कस माई लीगल स्ट्रैटेजी हियर। The BJP is extremely worried about what the Congress will do. For the last 96 hours, every BJP minister, every BJP MP has given statements to the effect, what should our legal strategy be? Thank you very much, but no thank you. Focus on unemployment, focus on Adani, focus on price rise, focus on China, focus on income inequality. Do not give us legal advice because we don't need it from you. हमारी जो रणनीति होगी लीगल तौर पर या पॉलिटिकल तौर पर, उसका जवाब मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो नहीं दूंगी
और मुझे बहुत शुक्रिया अदा करना है भाजपा की उस मुफ्त सलाह का जो हर मंच से वो दे रहे हैं कि हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए लीगल तौर पर। वो हमारे वकील देख रहे हैं, आपकी नसीहत की हमें जरूरत नहीं है। अपना टाइम जाया मत करिए, अपना टाइम आर्थिक असमानता में, गरीबी दूर करने में, महंगाई कम करने में, रोजगार बनाने में और अडानी का सच का जवाब देने में लगाइए। हमें आपकी लीगल नसीहत की जरूरत नहीं है, ये मैं भाजपाइयों से कहना चाहती हूँ। It's an absolutely ridiculous statement, if at all the BJP is making. I'm presuming what you're mouthing here is what the BJP has said, and you are also quoting them. It's an absolutely ridiculous statement because Rahul Gandhi in UK put Indian democracy at the center stage. Rahul Gandhi in UK said that Indian democracy is a public good. भारत का लोकतंत्र विश्व के लिए सौगात है, हिंदी और अंग्रेजी में मैंने दोनों भाषाओं में बोल दिया है। उस पर भाजपा को आपत्ति है, उसी पर तो वो वक्तव्य देना चाहते थे। He wrote twice to the speaker, दो बार उन्होंने स्पीकर को लिखकर परमिशन मांगी, एक बार मिलकर मांगी। स्पीकर ने कहा मैं आपको बोलने का समय नहीं दे सकता हूं, मेरे साथ एक कप चाय पी लीजिए। बोलने क्यों नहीं दिया गया? 16 मार्च को राहुल जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी AICC के मुख्यालय से और उन्होंने कहा था इफ इंडियन डेमोक्रेसी वॉज फंक्शनिंग, अगर भारत का लोकतंत्र काम कर रहा है तो मुझे बोलने की का चांस मिलेगा, बोलने का मौका मिलेगा। 8 दिन बाद बोलने का मौका नहीं मिलता, उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है। आपको लगता है भारत का लोकतंत्र सजग है, सजीव है, चल रहा है और ये दुनिया नहीं देखेगी? ये देश नहीं देख रहा है? दुनिया क्या देख रही है उससे हमें मतलब नहीं है रत्ती भर का। जो देश देख रहा है, मैं उसकी आपसे बात कर रही हूं। हमारा लोकतंत्र तब कमजोर होता है जब विपक्ष की सबसे मजबूत आवाज को दबाने का प्रयास किया जाता है। हमारा लोकतंत्र तब कमजोर होता है जब लामबंद होकर विपक्ष आपसे JPC की मांग करता है और सरकार सदन नहीं चलने देती है। यह कमजोर होते हुए लोकतंत्र का प्रतीक है, परिचायक है। लेकिन मैं अपने नेता की बात को कोट करूंगी, दिस इज आवर प्रॉब्लम, दिस इज एन इंटरनल प्रॉब्लम, दिस इज एन इंडियन प्रॉब्लम एंड वी विल फाइंड द सॉल्यूशंस विद इन। ये हमारी समस्या है, अंदरूनी समस्या है, भारतीय समस्या है और इसका निवारण और समाधान हम खोजेंगे। अगर उनके यहां ट्रांसलेटर्स की कमी है, आपके माध्यम से मैं ये बोल देती हूं, हमसे ट्रांसलेशन करा लें, क्योंकि ट्रांसलेशन में भी हाथ तंग नजर आता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।